नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है। सरकारी विभागों में खाली पदों पर तत्काल भर्ती के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। विभिन्न विभागों के खाली पदों को चयन आयोग को भेजने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को चिन्हित कर ये भर्तियां की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार प्रदेश में जारी है। सरकारी विभागों में खाली पदों पर तत्काल भर्ती के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए हैं। जहां पूरे प्रदेश में जिन विभागों में खाली पद है उन खाली पदों को भरने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को सीएम के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने सख्त निर्देश अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को दिए हैं। विभिन्न विभागों के खाली पदों को चयन आयोग को भेजने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। तो सरकारी विभागों में रिक्त पदों को चिन्हित कर भर्तियां की जाएगी और जिन विभागों में खाली पद है उन पदों को अब सरकार भरने जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, मिशन रोजगार लगातार प्रदेश भर में जारी है, जिन विभागों में पद खाली है अब उनको भरने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बैठक ली थी। बैठक में उत्तर प्रदेश के तमाम आलाधिकारी, तमाम प्रमुख सचिव, विभागों के अपर मुख्य सचिव मौजूद रहे थे और इस दौरान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने उनसे फीडबैक लिया कि किस विभाग में कितनी भर्तियां हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा जल्द से जल्द इन भर्तियों को चिन्हित करके भर्तियों को निकाला जाए जिससे मिशन रोजगार का जो अभियान चल रहा था एक बार फिर उसमें तेजी आ पाए। क्योंकि देखा गया कि अभी हाल ही में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा था। युवाओं को, युवाओं में नाराजगी थी और कहीं ना मुख्यमंत्री ने उस चीज को बखूबी भापा है और कहीं ना कहीं उस पर काम होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जहां भी जो भर्तियां खाली हैं उनको चिन्हित करके चयन आयोग उसको भेजी जाए और जल्द से जल्द, यानी कि लमसम माना जा सकता है कि अगले एक से डेढ़ महीने में उत्तर प्रदेश में बंपर भर्तियां आ सकती हैं और कहीं ना कहीं उन पर काम शुरू हो सकता है। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का संकल्प मुख्यमंत्री ने लिया था, उसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं। जी अश्विनी, ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिन विभागों को आदेश मुख्यमंत्री ने दिए गए हैं और उम्मीद क्या जताई जा रही है, कितनी भर्तियां प्रदेश भर में निकल सकती है इस बार? बिल्कुल, अगर विभाग की बात करें तो लगभग सभी विभाग हैं, चाहे शिक्षा विभाग लें या इसके अलावा जो पुलिस विभाग है, इसके अलावा तमाम स्वास्थ्य विभाग है, तमाम विभागों में भर्तियां खाली पड़ी हुई, तो ऐसे में उनको चिन्हित किया जाएगा। पहले चिन्हित करने के बाद में चयन आयोग को भेजा जाएगा, उसके बाद चयन आयोग इन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। निश्चित तौर पर भर्ती प्रक्रिया के लिए कहें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा तबका युवाओं का है जो लगातार मांग कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकाली जाएं जिससे उनका रोजगार मिल पाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ भर्तियां निकलेंगे और उत्तर प्रदेश में युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। जी चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन जारी है, सरकार विभागों में जो खाली पद है उनको तत्काल भरने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को सीएम का ये सख्त निर्देश देखा गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा गया है कि जिन विभागों में पद खाली है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। तो चयन आयोग को निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। तो सरकारी विभागों में रिक्त पदों को चिन्हित कर भर्तियां की जाएगी। तो सरकारी पदों में जितने भी रिक्त पद है उनको अब चिन्हित किया जाएगा और प्रदेश भर में जो रोजगार को लेकर लगातार युवा नाराज थे उनको नाराजगी को दूर करने के लिए एक और कदम उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। तो सरकारी विभागों में रिक्त पदों को चिन्हित कर ये पूरी भर्तियां की जाएगी और सभी विभागों को आदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। तो मिशन रोजगार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जारी है और इसी कड़ी में सरकारी विभागों में खाली पदों पर तत्काल भर्ती का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिवों को सीएम ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन विभागों में खाली पद है
और खाली पदों को चयन आयोग को भेजने का निर्देश सीएम ने दिया है और सरकारी विभागों में रिक्त पदों को चिन्हित कर ये भर्तियां की जाएगी। तो लगातार प्रदेश भर में युवाओं को रोजगार देने का जो मिशन है वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूरा किया जा रहा है और इसी कड़ी में एक और निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है कि सरकारी विभागों में जितने भी पद हैं उनको चिन्हित किया जाए और उन पदों पर भर्ती की जाए ताकि प्रदेश भर में युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकारी जो नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक और कदम उठाया जाए।